हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल योर इंटरनेट हेल्पर। तो आज की तारीख है, आप सभी को तो मालूम है कि 8 सितंबर। आज की तारीख में 8 सितंबर में जितने भी करंट अफेयर बनने वाले हैं उनमें से कुछ करंट अफेयर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आज जो करंट अफेयर में आज कुछ आप यहाँ पे बदलाव देख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कोई शिक्षकों ने हमको कमेंट कर पूछा है कि इंग्लिश में भी कुछ शेयर करने के लिए, तो हमने आज से 2 या 3 इंग्लिश भी देंगे, साथ में हिंदी भी देंगे। तो आज की तारीख है 8 सितंबर। आज की तारीख का करंट अफेयर आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर कॉफ़ी ग्रोअर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्रीय सरकार ने किस इनिशिएटिव को किस टेक्नोलॉजी को अपनाया है जो चाय कॉफ़ी बनाने वालों के लिए। तो यहाँ पे कोई सारे प्रोजेक्ट का नाम देख सकते हैं, कॉफ़ी कृषि, कॉफ़ी तरंगा, कॉफ़ी जियो, कॉफ़ी कनेक्ट। तो इसका सही आंसर है कॉफ़ी कनेक्ट, जो आप देख सकते हैं कॉमर्स और जो अफेयर मिनिस्टर है रेल मंत्री सुरेश प्रभु, इस समय के मिनिस्टर है, उन्होंने कॉफ़ी कनेक्ट नाम वाले एक प्रोजेक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसके मकसद ये है कि जो कॉफ़ी बनाने वाले हैं या कॉफ़ी ग्रोअर्स है उनको और भी प्रमोट किया जाए और उनसे और भी कॉफ़ी को पैदा किया जाए। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है कॉफ़ी कनेक्ट और इसको रेल मंत्री ने ही, वो कॉमर्स और अफेयर मंत्री सुरेश प्रभु ने उसको लॉन्च किया है, जो चार सितंबर को ही लॉन्च किया गया है। तो उसका नाम है, आप देख सकते हैं, उसका नाम है कॉफ़ी कनेक्ट। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है कॉफ़ी कनेक्ट। तो आपको इसके जान लेना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट को कॉफ़ी कनेक्ट कहा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, जस्टिस रंजन गोगोई हु इज एक्सपेक्टेड टू बिकेम 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI हेल्थ फ्रॉम व्हिच नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो आप सभी को तो मालूम है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, जो जिसमें सभी लोगों का लास्ट जो दरवाजे खटखटाने की जगह है और सबसे बड़ी उम्मीद की जगह है, वो है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के जो प्रधान विचारपति रह गए, तो जो दीपक मिश्र सर के समय का लाभी ख़त्म होने जा रहा है, तो उनकी जगह जो नए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले हैं, जिनके नाम सभी के सामने आ रहा है, जिनका नाम है जस्टिस रंजन गोगोई, जो 46 नंबर चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो उत्तर पूर्व भारत के किस जगह से बिलोंग करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, या कोई ऑप्शन दिया गया है असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड। तो उसका सही आंसर है, देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का नॉर्थ ईस्ट साइड से असम से वो बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फेसबुक एशिया का अपना पहला डेटा सेंटर किस देश में खोलने के लिए करीब 7,190 करोड़ रुपये निवेश करेगी, जो 2022 में शुरू हो सकता है। आपको तो मालूम है कि फेसबुक एक ऐसा बड़ा सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन फेसबुक से भी कलेक्ट किया जाता है। लेकिन इस बार फेसबुक ने सबसे बड़ा जो अपना पहला डेटा सेंटर, तो आपको मालूम है डेटा क्या होता है और डेटा सर्विस जो फेसबुक अपने लोगों को प्रोवाइड करता है, उसका सेंटर किस देश में खोलने के लिए करीब 7,190 करोड़ रुपये निवेश करेगी, जो 2022 से 7,190 करोड़ रुपया जो फेसबुक खर्च करने जा रहा है, वो 2022 में शुरू होने वाला है। उसका जगह है, आप देख सकते हैं, वो सिंगापुर है। सिंगापुर में जो फेसबुक अपने पहले डाटा सेंटर को खोलने जा रहा है, बेहतर फेसबुक 1,07,000 वर्ग मीटर में बनने वाली इस 11 मंजिला डेटा सेंटर में उनसे सैकड़ों लोगों का भी रोज़गार मिलेगा। तो इसका आंसर है, आप देख सकते हैं, सिंगापुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यहाँ पे दिया गया है दिल्ली, जयपुर, पटना, लखनऊ।
तो यहाँ पे आपको तो सही आंसर जानना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, उसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का मकसद भारत में परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाना और मोबिलिटी के साधनों को और संपर्कशील और बेहतर बनाना है। तो विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ है, और इसका मकसद यह है कि परिवहन व्यवस्था जो चल रहा है उसको और भी प्रमोट किया जाए और उसको अच्छे से अच्छे डेवलप किया जाए। उस मोबिलिटी शिखर का सम्मेलन है, सम्मेलन का मकसद है। भारत ने 5 सितंबर 2018 को किस देश के साथ सैनिक परमाणु सहयोग पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो इसके आंसर आपको तो जानना होगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया गया है, नेपाल, बुल्गारिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो इसका सही आंसर है बुल्गारिया। बुल्गारिया के साथ भारत ने 5 सितंबर 2018 को ये असैनिक परमाणु सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उसका मकसद बहुत सारे हैं, उनमें से एक ये है कि उनके कॉलेजों में हिंदी जो कोर्स है उसको भी लागू किया जाए। तो ये सारे हमने करंट अफेयर आपके साथ शेयर किया है। हम हर रोज़ ऐसे देने की कोशिश करेंगे क्योंकि करंट अफेयर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस करंट अफेयर के टॉपिक में इतना ही। हम हर रोज़ के करंट अफेयर देने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथी जिनको करंट अफेयर की ज़रूरत है उनको भी इस लिंक को फॉरवर्ड करें और उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि वो हमारे चैनल से करंट अफेयर ले सकते। हम आज देने में थोड़ा लेट हो गया है, हम हर रोज़ सुबह में ये अपडेट देने की कोशिश करते हैं। तो आप हमसे हर सुबह में ही करीब 8 बजे से पहले ही हमसे आपका करंट अफेयर हासिल कर पाओगे।